एक मिलिटेंट ने ड्राइवर पे अटैक किया और उसके सिर में गोली लगी है। तो जैसे ही ड्राइवर के सिर में गोली लगी तो उसका संतुलन जो है वो खो गया और गाड़ी जो खाई में चली गई। वो गए हुए थे दर्शन के लिए गए हुए थे और जब वो बस इस तरफ से कटरा की तरफ जा रही थी तो इसी लोकेशन पे आतंकियों ने उस पर हमला कर दिया। आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं उन्होंने पहले ड्राइवर को टारगेट किया और ड्राइवर को है जो गोलियां लगी, उसके बाद उन्होंने बस पे अंधाधुंध जो है फायरिंग शुरू कर दी। आपको बता दूं कि अनुमान लगाया जा रहा है कि इस जगह पर वो छुपे हुए थे और यहां से वो एकदम से जब बस वहां से आई तो यहां से वो निकल के बाहर आए और उन्होंने एकदम से गोलियों की बौछार जो है बस पे कर दी और जो ड्राइवर है उसने बहुत कोशिश की कि गाड़ी को कंट्रोल में कर सके लेकिन उसको गोलियां लग चुकी थी। तो जो बस है वो आपको बता दूं थोड़ा सा आगे जाके यहां से जो बस है वो नीचे ये जो नीचा ढलान है इसमें गिर गई बस और इसमें तकरीबन 9 लोग जो है अभी तक जो है मारे गए हैं और 33 लोग जो हैं इसमें जख्मी हैं। आपको दिखा दें कि जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं वो यहाँ पहुंचे हुए और यहाँ पे जो पूरा पुलिस है वो पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है अभी। और ये जो जगह है ये लोकेशन आपको दिखाते हैं, यहाँ जो बस है अभी भी यही मौजूद है। अभी FSL की टीम्स यहाँ पहुंची हुई है, जो फॉरेंसिक्स की टीम है वो नीचे गई हुई है और बस का जो है पूरा जो देख रही है कि क्या उसमें कोई सबूत उनको मिल सकता है। बाकी इन जंगलों में आपको बता दूं कि अभी तक सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है जिसमें कि CRPF आर्मी और JK पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप JK पुलिस का सब शामिल है और इन जंगलों में इस टाइम बहुत बड़ा एक ऑपरेशन चल रहा है उन आतंकियों को पकड़ने के लिए। और पूरे जो सिक्योरिटी फोर्सेज है पूरे जोरों शोरों से जो है सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और यहाँ पे आतंकियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुलिस और आर्मी की तरफ से ड्रोन्स का भी यूज किया जा रहा है क्योंकि काफी घने जंगल है, ड्रोन्स का जो है वो यूज किया जा रहा है देखने के लिए कि कहाँ पे आतंकी छुपे हो सकते हैं। आपको ये बता दूं कि कल ही जो शपथ जो हो रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी जो मंत्रियों की उस समय पे ही ये आतंकी हमला जो है किया गया है। तो एक तरीके से आतंकियों की कोशिश है अपना एक प्रेजेंस दिखाने की और जो जम्मू कश्मीर में आतंक का जो फैलाने का कोशिश है वो आतंकियों द्वारा किया जा रहा है लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी का पूरा कोशिश है कि उनको जल्द से जल्द है उनको पकड़ा जाए। और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इन जंगलों में एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं और जो ये जंगल आप देख सकते हैं कि कितने घने हैं, इसमें दिख भी नहीं रहा है और इसलिए ड्रोन का भी यूज जो है किया जा रहा है। आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ लोग जो लोकल हैं वो भी पहुंचे हुए। सर क्या हुआ था यहाँ पे आप कल? सर जैसे ये गाड़ी आई है वहां से, जैसे हमने सुना, जैसे उन लोगों ने बताया जो जब हम यहाँ पे आए मेरी अर्जैनी पंचायत है, खबड़ का सरपंच हूँ मैं, अर्जैनी मैं वहां का सरपंच हूँ। तो यहाँ पे जब आए तो जो जख्मी लोग थे उन्होंने ही बताया कि सबसे पहले जो है आप यहाँ पहुंच गए थे? हाँ पहुंच गए थे। तो उन्होंने बताया कि जो अटैक हुआ है वो सबसे पहले ड्राइवर पे अटैक हुआ है, ड्राइवर को सिर में गोली लगी है तो उससे बस का संतुलन खो गया और बस गहरी खाई में जा गिरी और उसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट तक वो फायर करते रहे मिलिटेंट बस गिरने के बाद भी। और उसके बाद जैसे ही हम लोगों को पता चला तो त्रियाड़ से, बमलिया से, ठंगरियोड़ से, अर्जैनिंग जो भी एरिया था वहां से लोग जो है वो दौड़े, साथ में पुलिस पोस्ट त्रियाड़ से जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी वो भी आ गई और यहाँ पे आकर के जो है वो रेस्क्यू किया और लोगों को यहाँ से बाहर निकाला और उसमें से 4 डेड बॉडीज को हमने त्रियाट में शिफ्ट किया, 5 को पौनी में शिफ्ट किया और 24 के करीब लोगों को हमने जो है वो जो सीरियस थे उनको त्रियाट CSC ले गए, वहां से फर्स्ट एड करके फिर हमने करड़ा और वहां से एम्बुलेंस के द्वारा करड़ा और जम्मू के लिए और SC के लिए रेफर किया। तो इसके साथ ही कुछ लोगों को जो पौनी से एम्बुलेंस आई थी वो उनको पौनी में भेजा गया।
तो ये एक बहुत ही एक मैं कहता हूँ कि एक बहुत ही दहशत का जहाँ पे माहौल था शाम को, और इस समय भी हमें दहशत है कि कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। और इस किस्म का ये हादसा है जो ये इस एरिया में ये पहली बार हुआ है कि कोई किसी ने भी श्रद्धालुओं की गाड़ी पे या किसी भी गाड़ी पे जो है वो अटैक किया हो। हालांकि जब से इमरजेंसी थी तब शुरू में तो यहाँ पे दो तीन कैजुअलिटीज पहले भी हुई है। इस अडानी के लिए जो सामने आप देख रहे हैं इसमें एक हमारे आर्मी के मेजर मारे गए थे, लेकिन वो ऑपरेशन में मारे गए थे। तो इससे पहले कभी भी इस किस्म का हादसा नहीं हुआ कि कोई गाड़ी पे अटैक करे, तो ये इस किस्म का पहला है। और इससे हमारे लोगों में डर तो पैदा हुआ ही हुआ, लेकिन यात्रा के ऊपर भी जो है असर पड़ेगा, और इससे शिवखोड़ी भी जो है जो हमारी यात्रा है वो भी अफेक्टेड होगी और हमारे लोगों का मनोबल भी जो है वो गिरेगा। तो आपको दिखा दूं, आप ये देखिए वो आर्मी जो है अभी सर्च ऑपरेशन के बाद वापस आ रही है। देखिए ये अभी जंगलों में जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था, अभी आर्मी इन जंगलों में जो है सर्च ऑपरेशन चला रही है और इनको ढूंढ रही है, जो आतंकी थे उनको ढूंढ रही है। आपको ये बता दूं कि इसमें जो घायल है वो तकरीबन 33 लोग घायल है, और वो गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल जम्मू और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रियासी और कटरा में जो नारायणा हॉस्पिटल है वहाँ पे उनको भर्ती कराया गया है, जहाँ पे कि उनका इलाज चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जंगल में जो है सर्च ऑपरेशन इंडियन आर्मी की द्वारा चलाया गया है, पूरा खोज किया जा रहा है, उनके सुराग ढूंढे जा रहे हैं कि ये आतंकी जो हमला करके जो भागे हैं यहाँ से उनको जो है पकड़ने का पूरा जो सर्च ऑपरेशन है यहाँ जारी है।